हेलो डियर स्टूडेंट, हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम्स के बारे में पढ़ रहे हैं और जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और ये किस तरह से इनहेरिटेंस होती है, एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में ये मूव करता है उसके बारे में पढ़ा। देन वी हैव डिस्कस अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ह्यूमंस में किस तरह से एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होता है। देन उसके बाद में जो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है ह्यूमंस के जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसके मेन मेन फंक्शन और जीन्स वगैरह उसमें कितने क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमने इसमें ब्रीफ में पढ़ा। देन वी हैव आल्सो डिस्कस न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है उसमें क्या डिफरेंस होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लोरोप्लास्ट जो डीएनए या क्लोरोप्लास्ट में जो पाए जाने वाला जो डीएनए है वो किस तरह से एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में जाता है और क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो इनहेरिटेंस है जिसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं उसमें बहुत सारे काम हुए हैं। उसमें अगर हिस्टोरिकल हम देखें तो थ्योरी ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस सबसे पहले इरविन बोर ने दी और इन्होंने एक्चुअली ये मिराबिलिस पे और पेलारगोनियम पे काम करते हुए इन्होंने सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस थ्योरी दी जिसको हम आगे थोड़ा सा उसमें पढ़ेंगे। देन उसके बाद में प्रेजेंस ऑफ यूनिक डीएनए इन क्लोरोप्लास्ट ये रूथ सुगर और इसीडा ने क्लेमाइडोमोनास में इन्होंने जो डीएनए पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी 1963 में। देन उसके बाद में मैनिंग ने यूग्लिना में इन 1971 में सर्कुलर डीएनए जो क्लोरोप्लास्ट है उनकी खोज की और उसको बताया कि क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद में बेडब्रुक और लॉरेंस ने सबसे पहले जो मैज है उसमें उसकी फिजिकल मैपिंग की और फिजिकल मैपिंग का मतलब ये है कि इसमें कितने जीन्स होते हैं, कहाँ पर वो अरेंज होते हैं इसके बारे में। देन उसके बाद में ही जगरसन और बॉरिक इन 1980 में दे आल्सो मैप टुबेको क्लोरोप्लास्ट, टुबेको में जो पाए जाने वाला जो क्लोरोप्लास्ट जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है उसकी उन्होंने मैपिंग की। और उसके बाद में इन 1988 में बेटोन और ग्लिहम ने क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की कि उन्होंने कि क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस भी होता है। देन उसके बाद में मेलिंगा और कोबरकर ने जो टुबेको में क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पहले इन्होंने खोज की हायर प्लांट्स में, इसका मतलब उन्होंने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की उन्होंने इसमें खोज की क्लोरोप्लास्ट में। तो दिस इज अबाउट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डीएनए जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। देन अगर हम क्लोरोप्लास्ट की हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो है प्रत्येक प्लांट सेल्स या ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है वो उन सब में क्लोरोप्लास्ट यूनिवर्सली रूप से पाया जाता है और ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स भी हो सकती है इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, उसी के अंदर वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स रहते हैं। लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिका जितनी भी है, चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, उन सब में जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है उनमें कंपल्सरी रूप से क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से एक थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है क्लोरोप्लास्ट के, अगर आपको ध्यान हो तो इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, देन ये इनर मेम्ब्रेन है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है इसमें, और एक और तीसरी जो मेम्ब्रेनस स्पेसेस होती है जिसको हम थाइलोकोइड्स मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, और ये थाइलोकोइड्स मेम्ब्रेन्स के अंदर भी ये एक थाइलोकोइड्स बनाती है जिसको हम थाइलोकोइड्स मिलकर के फिर स्ट्रोमा बनाती है, और इस थाइलोकोइड्स के अंदर भी एक स्पेस होता है, एक लिक्विड भरा होता है जिसे थाइलोकोइड्स स्पेस या ल्यूमन्स के नाम से जानते हैं, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का काम होता है। और इसके बाद में ये ग्रेनम है और ये इंटरग्रेनम थाइलोकोइड्स हैं, और
ये इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, ये इसका फ्लूड पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का। तो थ्री मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती है, ये जो थायलाकोइड्स होती है इसमें लाइट रिएक्शंस होती है, और जो इसका जो स्ट्रोमा रीजन्स हैं जिसको हम लिक्विड्स के नाम से जानते हैं, इसमें डार्क रिएक्शन होती है। यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और उस एटीपी की सहायता से इस जो ये लिक्विड पार्ट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं उसको फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ये सिंपल मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस की, जो प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में होता है। इस क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनमें जो सर्कुलर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उसकी बहुत सारी कॉपीज पाई जाती है, बहुत पॉलीप्लॉइडी नेचर्स की इसमें पाया जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियम होता है, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से भी ज़्यादा कॉपी मिलती है। तो क्लोरोप्लास्ट जो इनहेरिटेंस हैं उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले कोरेंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया मिराबिलिस जलापा में, और उन्होंने ये पाया कि द मिराबिलिस प्लांट्स दैट कोरेंस वर्क विद कैम इन थ्री थ्री टाइप। उसमें देखा कि जो मिराबिलिस जलापा है वो उसमें या तो प्योर ग्रीन या प्योर वाइट या वेरीगेटेड उसमें ब्रांचेज होती है। तीन तरह के उसमें प्लांट्स देखे, प्योर ग्रीन बिल्कुल हरा, प्योर वाइट और वेरीगेटेड मतलब बीच बीच में वाइट और ग्रीन के पैचेज होना। तो द ग्रीन एंड वाइट ब्रांचेस कुड अपियर ऑन वेरीगेटेड प्लांट, बट वेरीगेटेड ब्रांचेस डिड नॉट अपियर ऑन ग्रीन और वाइट। इसका मतलब ये है कि जो जो पौधा है जिससे हम फिर बीज लेकर के नई प्रोजेनी बनाते हैं, तो ऐसा पौधा जिसमें वेरीगेटेड प्लांट्स हैं, मतलब जिसमें वाइट और ग्रीन और वाइट के पैचेस वाला अगर पौधा है और उसको हम ग्रो करते हैं और उससे फिर सीड लेकर के नए प्लांट्स बनाते हैं, तो उससे तीनों तरह के प्लांट्स हमें मिल सकते हैं, ग्रीन भी मिल सकता है, वाइट भी मिल सकता है और वेरीगेटेड भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम ग्रीन प्लांट से सीड लेंगे और उसको जर्मिनेट करेंगे तो सिर्फ हमें ग्रीन मिलेगा, और वाइट को अगर पौधे से हम सीड लेकर के ग्रो करेंगे तो सिर्फ हमें वाइट मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये उन्होंने क्या पाया, द कलर ऑफ एग सेल्स डोनेटिंग ब्रांच फीमेल जो प्लांट्स हैं, जो फीमेल प्लांट्स होता है जिसका ओव्यूल्स काम आता है और ओवम सेल्स काम आती है, वो किस तरह की ब्रांचेज हैं उसमें, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा, मेल प्लांट्स जो एंथ्रेजोइड्स शेयर करता है उससे जो नेक्स्ट प्रोजेनी है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फीमेल प्लांट ब्रांच जिस पे प्योर ग्रीन था और प्योर वाइट था, तो उनसे केवल या तो प्योर ग्रीन बनते हैं या प्योर वाइट मिलते हैं। जबकि अगर जो फीमेल प्लांट्स हैं अगर वो वेरीगेटेड हैं तो तीनों प्रकार के ऑफस्प्रिंग्स या प्लांट्स उसको मिल सकते हैं, लेकिन उनका कोई भी रेशियो वहाँ पर प्रेडिक्टेबल स्थिति में नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे 9:3:2 के रेशियो में मिलेगा, कोई इसमें प्रेडिक्शन इसमें नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट भी मैटरनली ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मेजोरिटी ऑफ केस में, ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर। इसके अलावा जो आने वाली जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो क्लोरोप्लास्ट है जो मैटरनल सेल से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, उनका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, कितने भी क्लोरोप्लास्ट जा सकते हैं और कोई से भी क्लोरोप्लास्ट जा सकते हैं। तो जब ये बिल्कुल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, तो इसके आधार पर जब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस होता है तो हम उसकी प्रडिक्शन भी नहीं कर सकते कि इस आने वाली प्रोजेनी में उसका क्या इफेक्ट होगा और क्या नहीं होगा। ही स्पेकुलेट दैट सम फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनहेरिटेंस। उन्होंने जब कोरेंस ने सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें पूरी जानकारी उनको नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया कि कोई ऐसे कारक जो मेंडल ने जिन्हें कारक कहा था, जिन्हें हम आज जीन्स के नाम से कहते हैं,
तो बहुत सारे जो कारक है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन वो क्लियरली इसको नहीं बता पाए। देन उसके बाद में जर्मन बॉटनिस्ट जो एरविन बोर हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया कि द क्लोरोप्लास्ट इन द साइटोप्लाज्म माइट कैरी द इनहेरिटेड फैक्टर। उन्होंने सबसे पहले सजेशन दी कि क्लोरोप्लास्ट में जो पाए जाने वाले जो जीन्स हैं, ये हो सकता है इस मिराबिलिस जलापामी फैक्टर को निर्धारित करता है। और अब हम बिल्कुल क्लियरली जानते हैं कि जो एरविन बोर ने जो प्रडिक्शन दी वो बिल्कुल सही थी। तो जो इस मिराबिलिस जलापा में जो पौधों में जो कलर था, प्योर ग्रीन, प्योर वाइट और वेरीगेटेड जो ब्रांचेस थी, वो सारी डिपेंड करती है कि वो पौधा मदर प्लांट्स कैसा है। मेल प्लांट्स से इसमें किसी तरह का प्रोविजनिंग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो जीनोम है, इट इज ऑल्सो नोन एज द प्लास्टर डीएनए के नाम से जानते हैं। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। और जीनोम आर रिलेटिवली लार्जर होता है, 140 किलोबेस पेयर किलोबेस इन हायर प्लांट्स होता है, जबकि लोअर अगर यूकेरियोट्स में अगर देखते हैं तो करीब ये 200 किलोबेस का होता है। और मल्टीपल कॉपी ऑफ जीनोम पर ऑर्गेनेल्स जनरली पाए जाते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया, इसमें थाउजेंड्स कॉपी तक पाई जाती है, मोर देन थाउजेंड्स इन सिंगल क्लोरोप्लास्ट की। सिंगल जो डीएनए सर्कुलर मॉल होता है उसकी बहुत सारी कॉपी पाई जाती है, बट आर लार्ज एनफ टू कोड 50 to 100 प्रोटीन एज वेल एज राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर आरएनए। 50 से 100 प्रकार के प्रोटीन्स ये कोड करने के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए जो 70s राइबोसोम्स में पाए जाते हैं, और इसके करोस्पॉन्डिंग बहुत सारे जो ट्रांसफर आरएनए हैं उनका भी फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट जीनोम करता है। ये इस ओके इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस मोर अबाउट द क्लोरोप्लास्ट।